आरएमएफ के महिलाओं ने किया योगी का पुतला दहन। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर को योगी सरकार द्वारा नोटिस देने के खिलाफ अपवा की महिलाओं ने शनिवार को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला दहन धरहरा पुल पर किया। पुतला दहन के दौरान सभा को अपवा ने मोदी योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, संस्कृति कर्मियों पर हमला करना बंद करो, महिलाओं पर दमन नहीं सहेंगे, लोकतंत्र पर हमला करना बंद करो जैसे नारे लगाए। पुतला दहन के दौरान अपवा नेताओं ने कहा कि अपवा नेहा सिंह राठौर के साथ एकजुटता जताते हुए यूपी अपवा सरकार से नोटिस को तत्काल वापस लेने और इस शर्मनाक कृत्य के लिए माफी मांगने की मांग की है। नेहा सिंह राठौर अपने गीतों के जरिए बेरोजगारी, उत्पीड़न सहित जनता के सवाल लगातार प्रमुखता से उठाती रही हैं। उन्होंने कानपुर देहात में गरीब परिवार के घर को बुलडोजर से गिरा देने और इस कार्रवाई के दौरान मां बेटी की जलने से हुई मौत की घटना पर यूपी में काबा गीत का दूसरा संस्करण जारी किया था। इस गीत में उन्होंने बुलडोजर कार्रवाई पर सवाल उठाया था। इस गीत पर कानपुर देहात पुलिस द्वारा उन्हें सीआरपीसी की धारा 160 के तहत नोटिस दिया गया है। नोटिस में नेहा सिंह राठौर को इस गीत के जरिए समाज में वैमनस्य और तनाव की स्थिति उत्पन्न करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। बढ़ते हैं दूसरे खबर की ओर। राजेश्वर पासवान ने नेताओं पर अभद्र गाना गाने वाले पर कार्रवाई की मांग, कहा जल्द पुलिस करे अश्लीलता फैलाने वालों को गिरफ्तार। बिहार में दिनों अश्लील गाना गाने वाले गायकों पर पुलिस सख्त कदम उठा रही है। अश्लील गाना गाने के बाद कई गायकों पर पुलिस सख्त कार्रवाई करने में जुटी है। इसी बीच एक और भोजपुरी सिंगर ने होली को लेकर अश्लीलता की सभी हदें पार कर एक गाना गाया, जिसके बाद से बिहार की राजनीति भी गर्मा गई। लोजपा रामविलास के जिलाध्यक्ष राजेश्वर पासवान के द्वारा लिखित सिंगर की गिरफ्तारी के लिए एएसपी के पास लिखित में आवेदन दिया गया, जिससे यूट्यूब साइट पर गाना पोस्ट किया गया था उसे प्राइवेट कर दिया गया है। हालांकि ऐसे कई साइट हैं जिस पर यह गाना अभी भी सुना जा रहा है। वहीं लोजपा रामविलास के जिला अध्यक्ष राजेश्वर पासवान ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा कि सोशल मीडिया पर जो कुछ गायक द्वारा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान सहित अन्य राजनेताओं का नाम लेकर जो शील गीत गाए गए हैं, उस पर पुलिस प्रशासन कानूनी कार्रवाई कर रही है और हमें भी पुलिस प्रशासन पर पूरा विश्वास है। गायक प्रमोद प्रेमी को जल्द ही पुलिस गिरफ्तार करेगी, इसके लिए पुलिस प्रशासन को हम आभारी रहेंगे। बढ़ते हैं तीसरे खबर की ओर। कोरोना से पिता के मौत के बाद काफी परेशान था युवक, हुई अचानक मौत, सामने आ रही आत्महत्या की बात। भोजपुर जिले के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के साड़ी गांव के समीप संदेहास्पद स्थिति में शुक्रवार की देर रात एक युवक की मौत हो गई। इलाज के दौरान आर्रा शहर के निजी अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया। पिता के मौत के बाद पारिवारिक टेंशन में आकर जहर खाकर खुदकुशी करने की बात बताई जा रही है। घटना को लेकर लोगों के बीच अफरा तफरी का आलम रहा। जानकारी के अनुसार मृतक कोइलवर थाना क्षेत्र के पचैना गांव निवासी स्वर्गीय वीरेंद्र चौधरी का 18 वर्षीय पुत्र रंजन कुमार है। 2 वर्षों से गुजरात के राजकोट में अपनी माँ एवं छोटी बहन के साथ रहता था एवं प्राइवेट काम करता था। इधर मृतक की बड़ी बहन खुशबू कुमारी ने बताया कि वो बीते सोमवार को राजकोट से जगदीशपुर थाना क्षेत्र के साड़ी गांव अपनी मौसी सुशीला देवी के घर आया था। शुक्रवार की शाम उसने फोन कर अपनी बड़ी बहन खुशबू कुमारी को कहा कि मुझे बहुत टेंशन है, मैं कल तुम्हारे घर आऊंगा, जिसके बाद उसने कहा कि ठीक है चले आना। इसी बीच स्थानीय लोगों ने फोन कर उसकी मौसी को सूचना दी। सूचना पाकर परिजन घटनास्थल पर पहुंचे, जिसके बाद उसे आनन फानन में इलाज के लिए आरा शहर के धरहरा स्थित निजी अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। बढ़ते हैं चौथे खबर की ओर। भोजपुर में नशेड़ियों ने छात्र को मारी गोली, घायल, पुलिस जांच में जुटी। भोजपुर जिले के गढ़हनी थाना क्षेत्र के गढ़हनी गांव के समीप शुक्रवार की देर शाम संदेहास्पद स्थिति में एक छात्र को गोली लगी। जख्मी छात्र को गोली बाएं जांघ में लगी है, जिसके बाद परिजन द्वारा उसे आनन फानन में इलाज के लिए पहले आरा सदर अस्पताल लाया गया, जिसके बाद परिजन उसे इलाज के लिए आरा शहर के बाबू बाजार स्थित निजी अस्पताल ले गए, जहाँ उसका इलाज कराया जा रहा है। जख्मी किशोर गढ़हनी थाना क्षेत्र के रामपुर गांव निवासी उधम सिंह का 15 वर्षीय पुत्र आदित्य कुमार है एवं वो 10वीं कक्षा का छात्र है। वर्तमान में स्थानीय थाना क्षेत्र के अज्ञाव मोड़ के समीप अपने परिवार के साथ रहता है। जख्मी छात्र ने बताया कि वो अपने गांव से रामपुर गांव गया था, वहां अपने कुछ दोस्तों के साथ ब्लॉक रोड की तरफ घूमने गया, जहां पहले से कुछ नशे में धुत लोगों से उसकी बहस हुई। उसके बाद उक्त लोगों के द्वारा गोली चला दी गई, जिससे वो गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इसके बाद परिजन द्वारा उसे इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल के आरा शहर के बाबू बाजार स्थित निजी अस्पताल लाया गया, जहाँ उसका इलाज कराया जा रहा है। बढ़ते हैं पांचवें खबर की ओर। वीकेएसयू में पीजी सेमेस्टर 1 सत्र 2021-23 में नामांकन के लिए जारी हुई लिस्ट। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में पीजी सेमेस्टर 1 के सत्र 2021-23 में नामांकन को लेकर फोर्थ मेरिट लिस्ट जारी करने के बाद
अब विश्वविद्यालय ने 5वीं मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। नामांकन की अंतिम तिथि 28 फरवरी तक निर्धारित की गई है। 5वीं मेरिट लिस्ट में 1400 विद्यार्थियों के नाम जारी किए गए हैं। छात्र कल्याण अध्यक्ष प्रोफेसर रणविजय ने बताया कि पीजी नामांकन का कार्य जल्द पूरा करने को लेकर 5वीं मेरिट लिस्ट जारी की गई है। उक्त तिथि तक विद्यार्थी अपना नामांकन कराएंगे। सत्र में नामांकन लेने वाले विद्यार्थी विश्वविद्यालय के साइट पर जाकर अपना मेरिट सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि यह सत्र विलंब से चल रहा है। इसके बाद मंगलवार को कोटा के तहत नामांकन होगा। कोटा नामांकन के बाद रिक्त सीटों पर स्पोर्ट नामांकन प्रक्रिया अपनाई जाएगी। पीजी नामांकन की प्रक्रिया जनवरी माह से चल रहा है, लेकिन अब तक नामांकन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। चौथी मेरिट लिस्ट तक 3600 विद्यार्थियों ने नामांकन कराया है। बढ़ते हैं छठे खबर की ओर। 40 लीटर महुआ शराब के साथ एक तस्कर समेत 2 गिरफ्तार, भेजा जेल। स्थानीय थाना क्षेत्र के रामसागर बगीचा एट भट्टा के समीप से एंटी लिकर टास्क फोर्स ने गुप्त सूचना के आधार पर 40 लीटर महुआ शराब के साथ एक तस्कर समेत 2 को गिरफ्तार किया है, जिसमें एलटीएफ प्रभारी भोला प्रसाद ने बताया कि सूचना मिला कि एक तस्कर प्लास्टिक के बोरी में शराब भरकर रामसागर बगीचा ईट भट्टा के समीप बेच रहा है। सूचना मिलते ही त्वरित कार्रवाई करते हुए एलटीएफ प्रभारी के नेतृत्व में रणनीति बनाकर शराब तस्कर को रामसागर बगीचा ईट भट्टा के समीप से तस्कर को छापेमारी कर गिरफ्तार कर लिया गया। ईटा भट्टा के समीप शराब बेच रहे तस्कर को एलटीएफ फोर्स ने घेर कर तस्कर रामसागर गांव निवासी स्वर्गीय राम अयोध्या सिंह के पुत्र इंद्रजीत सिंह उर्फ तेजन सिंह को 40 लीटर महुआ शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी पर बिहार राज्य मद्य निषेध अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली है। वहीं शराब के नशे में हंगामा करते रामाशीष राम के पुत्र विनोद कुमार को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने शराबी का मेडिकल कराया है। मेडिकल में शराब पीने की पुष्टि होने के बाद सनहा दर्ज कर दिया गया है। पुलिस ने दोनों गिरफ्तार आरोपियों को कानूनी प्रक्रिया पूरी कर जेल भेज दी। बढ़ते हैं सातवें खबर की ओर। जनता दरबार लगाकर किया गया भूमि विवाद का निपटारा। बढ़हरा प्रखंड क्षेत्र के 2 अलग अलग थाना परिसरों में जमीनी विवाद निपटारे को लेकर अंचलाधिकारी बढ़हरा ने जनता दरबार लगाया, जिसमें बढ़हरा थाना परिसर में थानाध्यक्ष जैन प्रकाश व अंचलाधिकारी बढ़हरा मोहम्मद नुमान के नेतृत्व में जनता दरबार लगाया गया। जनता दरबार में भूमि विवाद से एक आवेदन आया। मौके पर अंचलाधिकारी बढ़हरा मोहम्मद नुमान ने बताया कि एक मामला पश्चिमी बबुरा पंचायत के शिवम चक का आया है, जिसका ऑन स्पॉट निष्पादन कर दिया गया। वहीं कृष्णगढ़ थाना परिसर में राजस्व कर्मचारी विष्णु शंकर पांडे व महेश गोस्वामी के नेतृत्व में जनता दरबार लगाया गया। राजस्व कर्मचारी विष्णु शंकर पांडे ने बताया कि एक जमीन विवाद सरैया का आवेदन आया था, जिसका ऑन स्पॉट निष्पादन कर दिया गया। इस खबर को अगर YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को दबाइए। Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो, लाइक और वीडियो को शेयर कीजिए। और भोजपुर जिले के तमाम खबरों को सबसे पहले अपने फोन पर पाने के लिए प्ले स्टोर से भोजपुर न्यूज ऐप को इंस्टॉल कीजिए।